पाकिस्तान को जो कर्जों की अदायगी करनी है उसके लिए मजीद नया कर्ज लेना है, नए IMF के रिव्यू प्रोग्राम में जाना है, नया अरेंजमेंट करना है बायलेटरल एजेंसीज के साथ, क्या हम इसी तरह से पाकिस्तान आगे चलता जाएगा और कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा? तो फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि पाकिस्तान अपने जो लॉस बेयरिंग SOEs है, जी नुकसान करने वाली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनकी प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे। मैं आपके सामने चंद फिगर्स रखता हूं और वो फिगर इतनी अलार्मिंग है कि आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 2022 में जो SOEs ने टोटल लॉस किया है वो तकरीबन 730 अरब रुपए का है। यस, 730 बिलियन रुपीज, जिसमें 89% तकरीबन 650 अरब रुपए सिर्फ 10 कंपनियों का नुकसान है। जी 10 SOEs जिन्होंने इस दफा रिकॉर्ड नुकसान किया है और उसमें सरे फहरिस्त है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसने 169 बिलियन रुपीस का नुकसान किया है। तो इसके अलावा जो 10 कंपनीज हैं उसमें सरे फहरिस्त जैसा मैंने आपको बताया जो SOEs लॉस कर रही हैं उसमें NHA है, पेस्को है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन आसान नहीं है इसको प्राइवेट करना, कैस्को है, हेस्को है, पाकिस्तान रेलवेज है, लेस्को है, सेपको है और दीगर इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं। साल इतना नुकसान पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है और ये नुकसान कर्जा लेकर के, बैरूनी कर्जा लेकर के अदा किया जाता है। इन SOEs को प्राइवेटाइज करना पाकिस्तान की हुकूमत की पहली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए ताकि ये नुकसान खत्म हो सके।